है तो एक बहुत ही अच्छी टीम जो है वो स्प्लिट हो चुकी है, जहाँ पे एक साइड कपिल के साथ में कीकू है और आपके साथ में उपासना जी है और अली असगर जी है। तो कितना मिस किया आपने जब ये शूट हुआ, आप लोगों के जो एपिसोड शूट हुए उसमें कपिल को और दूसरी जो टीम थी उन लोगों को कितना मिस किया आप लोगों ने? हम लोगों ने बहुत अरसा एक साथ काम किया है, और जैसे उपासना जी हैं, अली भाई हैं, कपिल, कीकू, अली, चंदन, हम सब लोग एक टीम का हिस्सा रहे हैं। ऑफ कोर्स वी आर एक्टर्स एंड वेरियस अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, कुछ अब सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हम एक साथ तो कर नहीं सकते। जैसे मैं फिल्म भी कर रहा हूँ तो उसमें सलमान खान साहब हैं और दूसरे लोग हैं, तो अब मैं उसके अंदर ऑफ कोर्स सबको मिस करूँगा, बट अब उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। हर प्रोजेक्ट की अपनी बुनियाद है, तो ये एक अलग प्रोजेक्ट है, इसमें अलग लोग होंगे, कुछ लोग कॉमन होंगे, कुछ लोग अनकॉमन होंगे। तो अगर यू नो ऑलरेडी वो लोग वो शो कर रहे हैं, वरना वो यहाँ भी आ जाते हैं, यहाँ कर लेते शो। हाँ, नागपुर वाले रख दे शोलापुर आने वाले चंडीगढ़। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? आप लखनऊ से? यार अगली बार जब कोई शो बनाएगा कोई भी टीवी चैनल, प्लीज लखनऊ को हाईलाइट कर दें। लखनऊ वाले खास साहब, एक नॉर्थ इंडियन फील देने के लिए। हाँ, वैसे ही वो मैच कर रहा था कानपुर और खुराना, कैसे है दोनों के दोनों? इसलिए सुनील जी, कपिल कपिल को क्या बधाई देंगे और शादी में जाएंगे? देखिए, शादी मैं बहुत खुश हूँ कि कपिल शादी करवा रहे हैं। ईश्वर उनको सुखद वैवाहिक जीवन की मैं मनोकामना करता हूँ। हमने बहुत अच्छा काम किया है और अब वो वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं। ईश्वर उन्हें बहुत बहुत खुश रखे, मेरी ये मनोकामना है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि वो इसी तरह हंसते रहें और लोगों को हंसाते रहें। बहुत टैलेंटेड हैं और अपने टैलेंट से आजकल अब ये भी शो आ रहा है, वो भी शो आ रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी की बात है कि जितना ज़्यादा हंसाने वाले लोग होंगे, हंसाने वाले प्रोग्राम होंगे, लोगों का उतना स्ट्रेस कम होगा। ऑडियंस इज ऑलवेज अ विनर। ऑडियंस का, हालांकि कॉमेडियंस के बीच में आपस में भी स्ट्रेस होता है, लेकिन ये जो हंसाने वाले लोग हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, बहुत ज़रूरत है हमारे देश को। मेरे शब्दों में, इसे शब्दों में शो का नाम है कानपुर वाले खुराना, और ये चैनल्स के डिसीजंस होते हैं कि कौन सी तारीख को कौन सा शो लगाना है, शो लगाना भी है या नहीं लगाना है। आवाज़ माइक को आ रही है, आपका माइक ये है, तो एक काम करते हैं, मैं सीख के जाओगे तो हाँ, मैं ऊंचा बोलने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू अली भाई। अच्छा, आपका वो मुझे छोड़ेंगे वो? हेलो, इज इट बेटर नाउ? इको होगा सर, नहीं इको होगा। मुझे आप मीडिया वाले कम साउंड वाले ज़्यादा लगते हैं, कई तीन चार लोग इनमें तो मजाक करें। हाँ जी, ठीक है, यहाँ रख दूँ? अब बेटर है? एक आवाज़ और भी अच्छे से आएगी अगर थोड़ा सा पीछे से शोर थोड़ा सा कम करवा देंगे। बड़ा रॉब है आपका, फुल रॉब है जी। हाँ हाँ, हाँ, जो डिसीजंस होते हैं चैनल के डिसीजंस होते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कब डालना है, तो स्टार टीवी ने हमें कहा कि प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं इस तारीख को, तो सब कुछ मैच हो रहा था, सारी कुंडलियां मैच हो रही थी सबकी हमारी, तो हमने वो शो शुरू कर दिया। हमें तो शूटिंग करनी है, लगाना तो उनको है, शूट तो अभी तीन एपिसोड ऑलरेडी हमने शूट कर लिए हैं, लेकिन अब वो लगाते कब है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई विल बी देयर एज मेल एज वेल एज फीमेल। पहले तो मैं करेंसी एक्सचेंज में जाऊंगा, रुपए दे के डॉलर लेता हूँ शगन के लिए। बहुत सारी दुआएं उनके लिए भी, ऑफ कोर्स हमारे अपने जीजा जी हैं वो अब इंडिया के, तो उनकी बहुत बहुत बधाइयाँ, और ईश्वर करे हमेशा दोनों खुश रहें, और धीरे धीरे शादी हुई है अभी तो इन्जॉय करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में आके ज़रूर देखें कि यहाँ पे उनको पता नहीं है अभी तक कि जीजा का महत्व क्या होता है, उनको पता चला नहीं है। वो हमसे मिले एक दो बार तो हम बताएंगे कि ये तुम बेनिफिट ले सकते हो, जो तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि शादी से पहले कि ये भी बेनिफिट है।
बहुत इज्जत ले सकते हो।